आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो, प्रश्न दिया गया है कि पहले 2 वर्ष के लिए ब्याज प्रति 6% है, अगले 3 वर्ष के लिए प्रतिवर्ष 10% है और 5 वर्ष के बाद की अवधि के लिए प्रतिवर्ष 12% है। यदि 7 वर्ष बाद 12,771 रुपये ब्याज मिला तो उसके द्वारा निवेश की गई राशि ज्ञात कीजिए। हमें 4 विकल्प दिए गए हैं, हमें निवेश की गई राशि यानी कि मूलधन हमें ज्ञात करना है, तो हमें मूलधन ज्ञात करना है। अब प्रश्न के अनुसार बढ़ते हैं क्रम में। अब कहा गया है कि पहले 2 वर्षों के लिए कितना है 6%, तो हम निकाल सकते हैं जो साधारण ब्याज है वो पहले 2 वर्षों के लिए जो निकालेंगे उसे मैं 2 से ही यहाँ पे दर्शा रही हूँ, तो वो हम किस प्रकार से निकालेंगे। मूलधन, मूलधन अब अगर P मान लेते हैं तो गुणा दर गुणा समय बटे 100, तो वो हमारे पास कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो गया 12P/100 यानी कि 3P/25। अब कहा गया है कि अगले 3 वर्षों के लिए 10% है, तो अगले 3 वर्षों के लिए पी तो पी रहेगा गुणा 10 × 3/100 यानी कि 3P/10 हो जाएगा, शून्य से शून्य कट जाएगा। और कहा गया है कि 5 वर्ष बाद की अवधि के लिए 5 वर्ष अवधि के लिए इतना है, यदि 7 वर्ष बाद 5 और 7 यानी अगले 2 वर्षों की बात हो रही है, तो अगले 2 वर्षों के लिए अगर हम बात करें तो पी गुणा 12 × 2/100 कितना हो जाएगा, 24P/100। इसका अर्थ ये है कि 6P/25। अब हमें कहा गया कि साधारण पी हमें साधारण ब्याज ही दिया गया है, तो हमें इन तीनों को जोड़ के इससे बराबर करना है और पी निकालना है। बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले क्या होगा, इन तीनों को अगर हम जोड़ देते हैं, 3P/25 + 3P/10 + 6P/25 किसके बराबर है, 1, 2, 7, 7, 1। तो अभी इसे हल करते हैं। अगर हम इसका लघुत्तम समापवर्तक लेते हैं यहाँ पे तो वो आ जाएगा 50, 6P + 15P + 12P किसके बराबर है, 1, 2, 7, 7, 1। तो अगर आगे बढ़े हम तो ये हमारे पास है 33P, जोड़ के आएगा 33P बराबर है 1, 2, 7, 7, 1 × 50। बस इसे हल करते हैं तो ये पी हमारे पास आ जाएगा 1, 2, 7, 7, 1 × 50/33। 11 से जाएंगे, 11 + 33 11 × 6 = 67 और 11 × 11। इसे फिर से अगर हम 3 से काटे, 3 × 3 = 9, 3 × 8 = 24 और 3 × 7 इसे आपस में गुणा करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 5, 3, 9। तो ये हमारा जो है वो मूलधन है। देखते हैं कौन से विकल्प सही है। 1, 9, 3, 5, 0, 1, 2, 3, 5, 0 विकल्प 2 सही है। उम्मीद करती हूँ आपको स्पष्ट हो। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।